जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है देशी भक्ति। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के बारे में बताएंगे आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 2020 के बारे में सब कुछ बताएंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में, व्यापार के बारे में, व्यवसाय के बारे में, धन के बारे में, वित्त के बारे में, उपायों के बारे में सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल भारत देश में लॉकडाउन चल रहा है और सबकी जिंदगी बिल्कुल थम सी गई है। जो जहां है वैसा ही रुक गया है। बंधुओं, इस समय एक सबसे अच्छी बात यही है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं पर रहें। जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको सिर्फ समय निकालने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ समय बाद अच्छे दिन आएंगे। आप सब लोग घर के बाहर निकलेंगे, आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी पर आप जाएंगे और कुछ बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा धन भी कमाएंगे। इसलिए आप सबको इस विपदा से बचने के लिए अपने आप को घरों में कैद रखना होगा। आप जितना जल्दी, जितना ज़्यादा टाइम तक घरों में रहेंगे, उतने टाइम तक, उतनी जल्दी ये कोरोना नाम की महामारी से हम दूर हो पाएंगे। तो बंधुओं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं। प्रभु की उपासना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, लोगों की बुराइयां करनी छोड़ी या नहीं छोड़ी, मन में राग द्वेष आना आपने बंद किया कि नहीं किया। कुछ परेशानियां भी अगर हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अपनी परेशानियां दूसरों को बताने से मन हल्का होता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि लॉकडाउन में आप क्या नया कर रहे हैं और क्या परेशानियां आपके साथ हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आपके वित्तीय भविष्यफल के बारे में जुलाई, अगस्त और सितंबर 2020 के लिए। आपको इन महीनों में अर्थ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि धन लाभ। लेकिन आपको अपने लक्ष्य को साधने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बनी रहेगी। पहले से ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस दौरान आपको और सकारात्मक और पॉजिटिव होने की ज़रूरत बनी रहेगी और अभूतपूर्व वित्तीय सफलता के लिए, अभूतपूर्व अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आए, उस तरह की सफलता के लिए आपको अपना मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत आपको रहेगी। पैसों के लाभ के लिए और बहुत तेज़ी से पैसा लाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्रांतिकारी बनाने के लिए आपको आधुनिक संसाधनों को जुटाने में आपका कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। इन महीनों में आपको बहुत सारे अवसर आएंगे जिससे कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकें। बस ज़रूरत यह है कि आपको उन अवसरों को पहचानना होगा। यदि आपकी कोई देनदारी है, किसी को कोई पैसा देना है या फिर किसी से आपको कोई पैसा लेना है, तो ये दोनों ही चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं इन तीन महीनों में। आप लोगों के पैसा भी दे सकते हैं, उस कंडीशन में आप आ जाएंगे, और उस कंडीशन में आप आ जाएंगे जब लोगों से आप पैसा प्राप्त भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप अपने भौतिक सुख साधनों को और मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि आपके जो आय भाव के स्वामी है ना, वो है गुरु, और वो व्यय भावगत में गोचर करेंगे इन तीन महीनों में। और हो सकता है कि आपको कुछ यात्राओं पर भी जाना पड़े इन तीन महीनों में। आपको बताते हैं आपके प्रेम और संबंधों के भविष्यफल के बारे में। इन तीन महीनों में कई सारी संभावनाएं हैं जिससे कि आपके प्रेम संबंध सुखद रहेंगे, सहयोगी रहेंगे, जिससे क्या होगा, आपके जीवन का आधार घर और परिवार सही ढंग से चलता रहेगा।
लेकिन आपको बहुत सारी कोशिशें करनी होंगी और इन कोशिशों में आपको कई बार पसीना भी बहाना पड़ेगा। रिश्ते को संभालने और सहयोग देने की आपकी इच्छा रहेगी, लेकिन आप चाहते तो हैं कि मैं सहयोग दूं, मैं संभालूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को सहयोग नहीं दे पाएंगे। वैसे आपकी सद्भावनाएं घर परिवार से जुड़ी रहेंगी। क्यों जुड़ी रहेंगी? क्योंकि कुछ ग्रहों के प्रभाव के कारण, क्योंकि भावगत पाप ग्रही प्रभाव का असर लगातार बना हुआ रहेगा, जिसे घर परिवार को लेकर हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा और इसी सोच में आपको अधिक भागदौड़ करने की जरूरत बनी रहेगी और हो सकता है कि इससे आप ऊब जाएं, इससे आप थक जाएं, हो सकता है कि इससे आपको आराम करने का समय ना मिले और आपको बहुत गुस्सा आए। लेकिन प्रेम संबंधों में पुनः आशाओं का एक नया सवेरा दस्तक देता हुआ आपको दिखाई देगा, जिससे प्रेम संबंधों में पुनः परस्पर चाहतों का दौर भी बना हुआ रहेगा। तो हो सकता है कि ये 3 महीने अगर आप कोशिश करें, मेहनत करें, तो आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छे बने हुए रहेंगे और शुभ ग्रहीय प्रभाव भी बना हुआ रहेगा, जिससे आप महीने के आखिरी में प्रसन्न भी होते रहेंगे। आपको बताते हैं आपके स्वास्थ्य के, आपके हेल्थ के भविष्यफल के बारे में जुलाई, अगस्त और सितंबर में। आपकी जो शारीरिक सौंदर्य और शक्ति है वो इन 3 महीनों में धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। आप शरीर की क्षमताओं को अच्छा करने के उपायों पर अमल करने की तैयारी करेंगे, लेकिन आपको अपने कामों को साधने के लिए आपके जीवन में इन 3 महीने के दौरान ऐसे कई काम आएंगे जिसे हो सकता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में आपको जाना पड़े। आपकी यात्रा की कंडीशन बन रही है और होगा क्या, जब आप ज्यादा यात्रा करेंगे तब आपको थकान होगी और उस समय मौसमी मिजाज के कारण हो सकता है कि आपकी सेहत को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अभी क्यों हो सकती हैं? क्योंकि राशि स्वामी शनि की स्थिति व्यय भावगत बनी हुई रहेगी। अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु का गोचर भी व्यय भावगत होने से आपको छोटी छोटी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप अपने साहस और धैर्य के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखने वाले उपाय कर लें, आप योगासन कर लें, आप मेडिटेशन कर लें, आप संतुलित आहार लें, तो ये सब परिस्थितियों से आप बाहर निकल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी सेहत को चुस्त और दुरुस्त रखना चाहते हैं तो आपको सक्रिय रहने की जरूरत होगी। आपकी गोचरीय स्थिति के कारण आपकी सेहत में परेशानियों से बचते हेतु आपके खान पान, उठने बैठने के रुख को आपको अच्छा और मजबूत बनाने की जरूरत है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको बताते हैं आपके शिक्षा के भविष्यफल के बारे में जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए। बंधु, शिक्षा और ज्ञान के जो चरण हैं उनमें आप अगले पायदान पर बढ़ने की कोशिशों में तेजी का दौर स्थापित करेंगे। आप बहुत तेजी से आगे जा सकते हैं और इस तेजी को कायम रखने के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बिल्कुल सही समय पर अपनी पढ़ाई लिखाई करनी होगी, अध्ययन करना होगा, लेखन करना होगा, इन सब पर आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। हालांकि आप अपनी निरंतर कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने में कई बार व्यवधानों में रूबरू रहेंगे, कई सारी परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, लेकिन ये परेशानियां, ये व्यवधान आपके लिए एक संकेत है कि आप अपने आसपास के वातावरण को और पढ़ने लिखने हेतु सकारात्मक करें। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं। जितनी भी परेशानियां आ रही हैं उन सब को दूर करके आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई। आपको आलस्य
और भ्रम से बचना होगा। अगर आपका इन 3 महीनों में कहीं इंटरव्यू हो तो आपको पूरी तैयारी करना होगा। और ऐसे ग्रहीय योग बन रहे हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपके इंटरव्यूज हो सकते हैं। आपको इन यात्राएं भी हो सकती हैं आपके इन 3 महीनों में। आपको बता दें कि शनि होने से कुछ ना कुछ परेशानियां इन 3 महीनों में आपके साथ बनी रहेंगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी से, अगर आप सकारात्मक पक्ष रखकर अपने जीवन को बिताएंगे और पढ़ाई करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी। आपको बताते हैं आपके करियर के भविष्यफल के बारे में। बंधुओं, अगर हम व्यापार के संदर्भ में बात करें तो आप इन 3 महीनों में काफी अनुभवशाली बने हुए रहेंगे, जिससे आप अपने कार्य और व्यवसाय में अच्छे परिणामों को अर्जित करने में लगे हुए रहेंगे। लेकिन देशकाल परिस्थिति को लेकर आपको कुछ बातों में समझौता करना पड़ेगा, या फिर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपकी जो वस्तुएं हैं उनकी बिक्री है, तो हो सकता है कि आपको कहीं प्रदर्शनी लगाना पड़े, कहीं डिस्प्ले आपको करना पड़े। इससे होगा क्या, आप अपने प्रोडक्ट्स को, आप अपनी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट्स की तरफ, आपके बिजनेस की तरफ आकर्षित हो सकेंगे। और ऐसे कई जातक हैं जो करियर और व्यापार के क्षेत्रों में नए नए कदम रख रहे हैं, बिल्कुल एंट्री कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ प्रयासों के बाद, कुछ प्रयत्नों के बाद सफलता मिलती हुई रहेगी, जिससे आप अपने कामों को और सही ढंग से करने में लगे हुए रहेंगे। आपको बता दें कि आपके करियर के स्वामी मंगल, आपके करियर के स्वामी मंगल की गोचरी स्थिति और उसका ग्रहीय प्रभाव आपको कई कामों में बढ़त देने वाला रहेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपके प्रयास संघर्षों की स्थिति में बदल सकते हैं। अगर आप कम प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में इन 3 महीनों में संघर्ष आ सकता है। आपको अपने धैर्य और विवेक का सहारा लेने की जरूरत बनी हुई रहेगी। तो बंधुओं, इसलिए अपने प्रयासों में कोई भी किसी भी तरह की कमी ना रखें। ये था हमारा आज का वीडियो कुंभ राशि के लिए। हो सके तो इस वीडियो को लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। देशी भक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।